अपन बात करेंगे ओकरंगी लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस की, तो कंपनी का स्टॉक 16.40 पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट के 6 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर 54% तक इस स्टॉक में डाउनवर्ड आपको देखने को मिला है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस डाउनवर्ड का जो रीज़न है और किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको इस स्टॉक में मिल सकती है। तो शुरू करते हैं मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो कंपनी की बुक वैल्यू 25.93 के आसपास आपको देखने को मिल रही है और कंपनी का जो मार्केट कैप है 1737 करोड़ का। तो अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो 16.40 के आसपास आपको देखने को मिल रही है और रियल जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा उससे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। अच्छा खासा कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो आपको पिछले एक साल के अंदर -59% आपको यहाँ पर गिरावट इसमें परसेंटेज की देखने को मिली है। इसी के साथ अगर बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, तो जहाँ 2018 से लेकर 2022 तक कंपनी के रेवेन्यू में आपको 3 साल तक डाउनवर्ड देखने को मिला है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छा खासा रेवेन्यू में अपवर्ड आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर इसी के साथ अपन बात करें नेट प्रॉफिट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर इसमें जो नेट प्रॉफिट है इसमें अपवर्ड आपको देखने को मिला है और फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 109 करोड़ को देखने को मिला है। अगर पिछले कुछ समय के गिरावट की अगर बात करें, तो जिसका मेन रीज़न अपन क्वार्टर रिजल्ट्स मान सकते हैं। अगर अपन बात करें क्वार्टर रिजल्ट्स की, जिसमें दिसंबर क्वार्टर में अगर अपन बात करें दिसंबर क्वार्टर की, तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 0 करोड़ यहाँ पर बताया गया है। इसी कारण से आपको इस स्टॉक में डाउनवर्ड देखने को, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। इस क्वार्टर के अंदर आपको कंपनी में जो कि नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन 0 कंपनी का नेट प्रॉफिट था। लेकिन अगर अपन बात करें सेल्स की, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अच्छी खासी यहाँ पर अपवर्ड आपको मूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, सॉरी इनकम, अगर तो वह क्वार्टर टू क्वार्टर, जहाँ मार्च 2022 के अंदर कंपनी की जो टोटल सेल्स थी वो 208 करोड़ की थी, वो कंटिन्यूसली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई आपको नज़र आई है और दिसंबर 2022 में ये कंपनी की जो टोटल सेल्स है 250 करोड़ की हो गई। यानी कंपनी की सेल्स क्वार्टरली यहाँ पर आपको इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। तो सेल्स की अगर बात करें ईयरली, तो पिछले साल की तुलना में इस साल आपको यहाँ पर सेल्स भी इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आई है। जहाँ पिछले साल 227 करोड़ की सेल्स थी वो 692 करोड़ की हो गई है। उसके साथ अगर बात करें कंपनी के जो टोटल नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जहाँ पिछले साल 51 करोड़ का था वो बढ़कर 99 करोड़ का हो गया। यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट ज़्यादा मैटर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट से अगर बेहतर आपको एनुअली कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी में क्वार्टरली कंपनी काफ़ी कुछ ज़्यादा एडजस्ट भी करती है। अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज अपने को देखने को नहीं मिला है। दिसंबर 2021 के अंदर जहाँ 42.6% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। दिसंबर 2022 तक प्रमोटर की होल्डिंग 42.6 ही आपको देखने को मिली है। फॉरेनर्स की अगर बात की जाए, तो फॉरेनर्स की होल्डिंग 8.02 से हल्का सा यहाँ पर आपको डाउनवर्ड देखने को मिला है, 7.93, यानी कुछ परसेंटेज में यहाँ पर 1% से भी काफ़ी कम यहाँ पर होल्डिंग्स जो फॉरेनर्स हैं इन्होंने अपनी कम की है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर बात की जाए, तो उनकी भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने में कम मिल रही है, जो बहुत उन्होंने हल्की सी अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। पब्लिक की अगर बात की जाए, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर हल्की सी इस स्टॉक में बढ़ी हुई आपको देखने के लिए मिली है, क्योंकि दिसंबर 2021 के अंदर जहाँ पब्लिक की होल्डिंग 43.02 थी, वो बढ़कर 43.15, यानी हल्की सी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है। अब स्टॉक के अंदर गिरावट का मेन रीज़न आपको बता दिया गया क्वार्टर के रिजल्ट्स, जिसके कारण यहाँ पर पैनिक का माहौल और अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में हुई है। यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी आपको आने वाले समय में बनती हुई दिख रही है। अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बेहतरीन आते हैं, तो ऑब्वियसली इस स्टॉक में अच्छा खासा रन मिलेगा और एक अच्छी प्राइस पर यह स्टॉक आपको अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक अच्छा खासा एक ये जो बाइंग प्राइस है और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी है। आने वाले समय में ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और स्टॉक फंडामेंटली, जैसे कि कंपनी का मार्केट शेप, उसके बाद कंपनी की बुक वैल्यू, कंपनी के रिजल्ट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स, ये काफ़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रखने वाली है, और कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन आप मान सकते हैं। इसी के आधार पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। अच्छा खासा करेक्शन के बाद ये स्टॉक आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।